नमस्कार, दिनभर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण त्यागी और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई। पिछले कई दिनों से अवैध निर्माण पर चल रहा है निगम का डंडा। वन्य जीवों का शिकार करते रंगे हाथों पकड़ा गया शिकारी। मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। उर्स मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन से नाराज है दरगाह कमेटी। कमेटी ने पत्र लिखकर जिलाधिकारी से की शिकायत। और लायंस क्लब आस्था ने आंगनवाड़ी स्कूल में बांटे खिलौने। मिठाइयां खिलाकर बच्चों को दी होली की बधाई। और अब खबरें विस्तार से। शहर में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिससे अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। अतिक्रमण को हटाने के लिए अजमेर नगर निगम बेहद गंभीर है और जहां भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पत्रिका भवन के पास से एक केबिन को हटाया। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि जिसने यहां पर अस्थाई अतिक्रमण कर रखा था उसे पहले भी इसे हटाने को कहा गया था, लेकिन जब उसने नगर निगम की बात नहीं मानी तो जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया गया। ये पत्रिका भवन के पास से ये केबिन हटवाई गई थी, इसने अस्थाई अतिक्रमण कर रखा था। इसका आज के 10 दिन पहले भी सामान जब्त किया था और इसे बता दिया गया था कि अपनी केबिन उठा के ले जाओ, उसके बाद भी इसने नहीं उठाई तो आज इसको निगम कार्यालय में पहुंचा। सोमवार को भी श्रीनगर रोड स्थित होटल दाता इनके सामने बिना नक्शा पास कराए किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया था। इसी तरह चंद्रवरदाई नगर में भी कई जगहों को चिन्हित किया गया था। नगर निगम की ओर से लगातार अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि आम लोगों को इससे परेशानी न हो। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। चंद दिन बाद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स मेले का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों में पूरा अजमेर प्रशासन लगा है, लेकिन दरगाह कमेटी को ये तैयारियां नाकाफी लग रही हैं, जिसके संबंध में दरगाह कमेटी ने अपनी परेशानियों से प्रशासन को रूबरू कराया है। कुछ दिनों बाद ही ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर 806 उर्स मेले का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन दरगाह कमेटी इन तैयारियों से खुश नहीं है। कमेटी का कहना है कि संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण में कमी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और बिजली के खंभों पर लटके तारों को हटाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पर कोई इंतजाम ही नहीं है, न सफाई का इंतजाम है, न कोई रोक टोक है। दुकानें जो है इतनी बड़ी भी है कि 10 फीट की, अगर 10 फीट की सड़क है तो 2-2 फुट तो दुकान वालों ने रोक रखा तो बचा कितना आपके पास, 6 फुट की जगह मिली। तो लोग जो है इस तरह से चलते हैं कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और अब इस बारे में कमेटी ने पत्र लिखकर जिलाधिकारी को अवगत करा दिया है, साथ ही इस पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री को भी भेज दी गई है उनको। और इनके लिए हम आपको जो है वो डिटेल भी बता सकते हैं कि जैसे मेला क्षेत्र की जगह उसको उर्स माना जाए, क्योंकि उर्स वो होता है जहाँ पर श्रद्धा होती है, ना कि मेला जहाँ पर एंटरटेनमेंट होता है। और हमारे ये है कि हमने प्रशासन को यहाँ पर लेटर भी लिखा है, कलेक्टर साहब को ईमेल कराया है, जिसकी कॉपी हमने चीफ मिनिस्टर साहब को और नकवी साहब को भेजी है। हमारे मेन मुद्दे यही है कि यहाँ पर जो हजारों लाखों जो मुजाहिरीन आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उनके लिए कोई खाने पीने का, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके खाते हैं, यहाँ पर जो खुली हुई हैं उनका कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है। फिर नालियाँ हैं उबल रही हैं पानी से, कचरा इकट्ठा हो रहा है, कहीं जूतों का अंबार बना हुआ है। और हमने कई दफ़ा कहा कि इन चीज़ों को आप ध्यान दें, बिजली के तार हैं, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर आग लग गई तो कोई इंतजाम नहीं है उनको बचाने के लिए, लोगों को किस तरह ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है गरीब नवाज करा में कोई हादसा नहीं हुआ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी नहीं करें। तो हमारी कोशिश यही है, और हम यहाँ के लोगों की जो बशहूर लोग हैं उन्होंने लेटर भी लिखे हैं
और मिले भी हैं, हमारी अंजुमन भी रही है वहां पर मिलने के लिए, कि तैयारी ऐसी की जाए कि जिससे जायरीन को तकलीफ नहीं हो, उनकी सेहत के ऊपर बुरा असर नहीं हो, जो यहाँ रहने वाले हैं उनकी सेहत के ऊपर नहीं हो, नालियों का है, बिजली के तार हैं, फिर यहाँ पर जो है कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं है, मच्छर मक्खी छिपकलियाँ चूहे इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि बिल्ली के जितने, उनके लिए क्या इंतजाम किया गया, पेस्ट कंट्रोल का, बिजली का बिल सबसे ज्यादा ये देते जी आपने, इसके मामले में कलेक्टर साहब से मीटिंग या हमने लेटर भेजा है, मेरे 3 मार्च को ईमेल भेजी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को कॉपी भेजी है, साहिबा को और नकवी साहब को भी कॉपी भेजिए, क्योंकि दरगाह एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके हम लोगों के साथ जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशऊर लोग हैं, उनके साथ बैठ के वो प्लान बनाना चाहिए कि भाई आपका प्लान क्या है उसके लिए, उसके अंदर लोगों की आमद कैसी होगी, आना जाना, अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई हादसा हो गया तो आपका क्या प्लान है, ये सब बतलाना चाहिए ना। ख्वाजा साहब के उर्स मेले में देश के कोने कोने से जायरीन आते हैं, जिनको सुरक्षा से लेकर हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी अजमेर प्रशासन की है, जिसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में लगा हुआ है और उम्मीद है आयोजकों की इन सब परेशानियों का भी जल्द हल निकाल लिया जाएगा। और अजमेर से महेश मूलचंदानी की रिपोर्ट। लायंस क्लब आस्था की तरफ से गुलाबबाड़ी स्थित एक आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चों को स्कूल ड्रेस, मिठाई और कई मनोरंजक वस्तुओं का वितरण किया गया। खिलौने और मिठाइयां पाकर खुशी से झूम रहे ये बच्चे डोरी बस्ती के आंगनबाड़ी स्कूल के हैं और इन बच्चों के चेहरे पर ये मुस्कान दी है लायंस क्लब ने। जी हाँ, लायंस क्लब अजमेर आस्था के अध्यक्ष अतुल कुमार विजयवर्गीय के साथ तमाम सदस्य आंगनबाड़ी स्कूल पहुंचे और बच्चों के शारीरिक विकास और मनोरंजन के लिए खेलकूद सामग्री, मिठाई, फल, बिस्किट्स और टॉफियों का वितरण किया गया। इस मौके पर आंगनवाड़ी सहायिका को बच्चों के उपयोग के लिए ज्ञानवर्धक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। लाइंस क्लब अजमेर आस्था की ओर से डोरी बस्ती आंगनवाड़ी के अंदर आज हम ये आए हैं गुलाबबाड़ी में, यहाँ पे 35 बच्चे और उनके परिजन हमें मिले हैं। सभी बच्चों को लाइंस क्लब अजमेर आस्था की ओर से एक एक ड्रेस और मिठाई होली की सबको शुभकामनाएं बच्चों को दिए, साथ ही फ्रूट्स और टॉफीज दिए और पाठ्य सामग्री आंगनवाड़ी संचालिका को दिए। इससे निश्चित रूप से बच्चे जो यहाँ पे संस्कार सीखने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। लॉयंस क्लब अजमेर आस्था द्वारा लगभग अजमेर की सभी आंगनवाड़ियों में जो कि स्लम एरिया के अंदर बसी हुई है उसके अंदर रोज लगभग रोज हम सेवा कर रहे हैं और ये सेवा कार्य अभी आगे भी जारी। आज हम यहाँ पे गुलाबबाड़ी के अंदर अम्बेडकर कॉलोनी है, ये गुलाबबाड़ी के अंदर डोरी बस्ती आंगनबाड़ी है, इसका नाम यहाँ है। हमारे मेरे साथ लॉयंस क्लब अजमेर आस्था के अध्यक्ष नयन अतुल कुमार विजयवर्गी, संभागीय अध्यक्ष हमारे लॉयंस शशिकांत वर्मा, क्लब के सेक्रेटरी संदीप गोयल सब आए हैं और आज यहाँ हम सेवा देके अपने आप को बहुत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से आंगनबाड़ी स्कूल के बच्चों और उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन चलते चलते हमारी टीम की नजर पड़ी आंगनवाड़ी स्कूल की छत पर, जहां ना तो पंखे का कोई कनेक्शन था और ना ही रोशनी के लिए किसी बल्ब या ट्यूबलाइट की व्यवस्था। जाहिर है लॉयंस क्लब का यह कार्यक्रम सराहनीय कदम है, जिससे प्रेरणा लेकर सरकारी महकमे को भी जल्द इस आंगनवाड़ी स्कूल में रोशनी की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। अजमेर से सचिन कन्नौजिया की रिपोर्ट। अजमेर के राताकोट जंगल में एक शिकारी वन्य जीवों का शिकार करते रंगे हाथों पकड़ा गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि आरोपी के और भी साथी हो सकते हैं, इसके लिए पूरी टीम को अलर्ट कर दिया गया है। आज करीबन 1 बजे सूचना मिली, मैं मेरे से वहाँ से स्टाफ को लेके सरकारी वाहन लेके राताकोट जंगल में दबिश दी। एक मुलजिम रगे हाथों पकड़ा गया, उसको अब हम हमारी हिरासत में लेके जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो करेंगे। मुलजिम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि जुर्माना जमा करा देगा शाम तक तो ठीक है, नहीं तो इसको सुबह न्यायालय में माननीय न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा और पूरे एरिया में
स्टाफ को लगा के सघन गश्त की जा रही है, क्योंकि इधर एक परंपरा है होली के समय एड़ा खेलने की, एक गलत परंपरा जो जाति रावत मेहनतों में ज़्यादा दिख रही है, और इनको समझाइश भी की गई है, कुछ लोग समझे भी हैं, पर आज भी पुरानी ब्रदर वाला अपने आदत से गांव वालों ने इसकी, जीपिया वालों ने और राधाकोट वालों ने शिकायत की। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए कलाकारों ने कहां किया नुक्कड़ नाटक।